नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की डेट में हमारे इंडिया में 140 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, जहां पे दोस्तों 90 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी जो लो इनकम या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पे दोस्तों इन्हीं सारे लोगों के लिए सरकार ने हर साल 13,000 से भी ज़्यादा नए स्कीम नए लॉन्च करते हैं। एंड इन्हीं सारे स्कीम के लिए सरकार ने बजट रखा गया है 20 लाख करोड़, जहां पे दोस्तों इन्हीं सारे लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ये सारे स्कीम के बारे में नहीं जानकारी है या ये सारे स्कीम का वो लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की डेट में हमारे इंडिया में एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों हाक दर्शक। दोस्तों कुछ टाइम पहले शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में इस हाक दर्शक एप्लीकेशन के लिए इनका जो को फाउंडर एंड CEO है, मतलब अनिकेत दोगर सर ने गए थे एंड वहां पे उनको इन्वेस्टमेंट भी मिला है। दोस्तों अभी आपके मन में सवाल आने वाला ये हाक दर्शक एप्लीकेशन का काम क्या है। दोस्तों हाक दर्शक एक सोशल उद्यम है, जहां पे दोस्तों आज की डेट में सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया नए नए स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी देना, लोग कैसे बहुत सारे स्कीम में आवेदन कर पाएंगे एंड कैसे बहुत सारे स्कीम का लाभ उठा पाएंगे, इसके लिए मदद करना। इस हाक दर्शक एप्लीकेशन के मदद से दोस्तों अगर आप स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ हो या अनएम्प्लॉयड हो एंड दोस्तों अगर आपने एज के हिसाब से अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से नया नया जो सरकार ने स्कीम लॉन्च करा बहुत सारे स्कीम का लाभ उठाना चाहते हो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आपके घर में मम्मी डैडी के लिए, आपके घर में ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है दोस्तों, बुजुर्ग लोगों के लिए जो सरकार ने नया नया पेंशन लॉन्च करते दोस्तों बहुत सारे स्कीम का भी आप लाभ उठा पाओगे। स्टूडेंट के लिए दोस्तों नया नया स्कीम सरकार ने लॉन्च करते जैसे कि एजुकेशन लोन स्कीम है, इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट के लिए नया नया स्कॉलरशिप भी रहता है, इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट के लिए दोस्तों एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी दोस्तों स्कीम है। दोस्तों बहुत सारे स्कीम का भी आप उठा पाओगे लाभ। सो दोस्तों इस हाक दर्शक एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, कैसे आप इस हाक दर्शक एप्लीकेशन के मदद से अपने एज के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सरकार की द्वारा जो नया नया स्कीम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नया नया स्कीम लॉन्च करा गया है वो सारे स्कीम का आप लाभ उठा सकते हो, वो डिटेल्स मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेके बताऊंगा। सो दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखो एंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में चले जाना है, देन दोस्तों प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है हाक दर्शक, देन दोस्तों हाक दर्शक का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके सामने देखने को मिलेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है एंड इसका 3.2 स्टार रेटिंग है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 1 लाख प्लस डाउनलोडेड है, ये बहुत ही दोस्तों वेरीफाइड कंपनी है। अभी दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हाक दर्शक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एवरी सिटीजन मैटर्स। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट योर स्टेट पहले पूछा जाता है, मतलब इंडिया में हर स्टेट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम रहता है दोस्तों वो सारे स्कीम में आप लाभ उठा पाओगे। सो दोस्तों आप अपने जो स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लोगे, जैसे कि मेरा वेस्ट बंगाल है, मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट योर लैंग्वेज, दोस्तों मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन दोस्तों आता है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब मेरा स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ वो सिलेक्ट करना है। तो आपके स्टेट में दोस्तों आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो वो सिलेक्ट कर लोगे। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने के बाद दोस्तों हाक दर्शक एप्लीकेशन आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपके एज के ऊपर कितने सारे स्कीम में आप एलिजिबल होंगे वो सारी चीज़ आपके सामने देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों इसको आपको मैनुअली सारी चीज़ों को फिलअप कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है। दोस्तों मैं अपना एक हाक दर्शक में अकाउंट क्रिएट कर चुका था, इसको मैंने अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपने मम्मी के नाम पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। देन दोस्तों जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद दोस्तों आपको एज दे देना है, देन दोस्तों आपका पिन कोड नंबर डाल देना है। डू यू ऑल्सो रन ए बिजनेस, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो यस करोगे, नहीं तो नो ही रखोगे। देन दोस्तों आपको साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे पुट कर देना है। ओपन होने के पहले दोस्तों प्रिपेयर हो रहा है, सो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो पहले दोस्तों आपको माई रिक्वेस्ट, एक एलिजिबिलिटी, माई प्रोफाइल, फेवरेट स्कीम, देन दोस्तों स्कीम
फॉर योर बिजनेस, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो दोस्तों वो आपके सामने स्कीम देखने को मिलेंगे। स्कीम फॉर योर फैमिली, मतलब फैमिली मेंबर के लिए दोस्तों स्कीम देखने को मिलेंगे। अपडेट स्कीम, लैंग्वेज हेल्प एंड शेयर ऐप, ये चारों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इजीली समझ पाओगे सारी चीज़ों को। अभी दोस्तों आपके एज के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये मार्गदर्शक एप्लीकेशन कैसे आपको स्कीम खोजने में मदद करेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों इंटरेस्टेड इन चेकिंग व्हिच स्कीम यू आर एलिजिबल फॉर, मतलब कौन से स्कीम में आप एलिजिबल होते हो, मैनुअली फिलअप करना है पड़ेगा। सो दोस्तों मैं मैनुअली फिलअप करके आपको दिखाता हूँ ताकि दोस्तों आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना आए। चेक एलिजिबिलिटी फॉर एंटरप्राइज सेल पाउस फादर मदर सॉन डॉटर ब्रदर सिस्टर अदर रिलेटिव। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेल्फ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जिस नाम से इस अकाउंट को क्रिएट करता था मेरे मम्मी के नाम से, इसलिए दोस्तों सेल्फ करना पड़ेगा। अगर आप अपने नाम से अकाउंट क्रिएट करते हो एंड अपने मम्मी का या अपने डैडी का चेक करना चाहते हो स्कीम, तो वहाँ पे फादर या मदर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट स्कीम कैटेगरी में आपको पेंशन हेल्थ ऑल स्कीम सिंपली आपको रखना है। देन दोस्तों प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन स्टेटस, मतलब प्रेजेंट में क्या करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट एंड वर्किंग रिटायर्ड अनएम्प्लॉयड स्कूल ड्रॉप आउट एंड देन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। डू यू हैव एन आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है दोस्तों, आपके पास मास्ट आधार कार्ड होगा तो येस कर लोगे। देन दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। डू यू हैव एन डिजेबिलिटी, अगर आप डिजेबिलिटी हो तो दोस्तों येस करोगे, नहीं तो नो करोगे, तो कॉन्टिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों डू यू हैव एन बैंक अकाउंट, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है दोस्तों येस करोगे, देन दोस्तों कॉन्टिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। मैरिड स्टेटस में दोस्तों आप मैरिड हो अनमैरिड हो दोस्तों वो सिलेक्ट करोगे। व्हाट वॉज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू अचीव्ड, मैक्सिमम आप कितने दूर पढ़ाई करे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। कॉन्टिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। हैव यू डिफॉल्ट एनी बैंक लोन, अगर आप कोई भी बैंक लोन लिए हो तो येस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। देन दोस्तों कॉन्टिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। डू यू हैव एनी बैंक लोन, अगर आपका कोई भी बैंक लोन है तो येस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। देन दोस्तों एनी रिसेंट डेथ इन द फैमिली इन लास्ट वन ईयर, अगर आपका फैमिली में रिसेंट में कोई डेथ हुआ है दोस्तों येस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। आर यू कवर अंडर PM सुरक्षा बीमा योजना, अगर आप सुरक्षा बीमा योजना के अंदर आते हो दोस्तों येस करोगे, नहीं तो नो करोगे। दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। डू यू हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो येस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। देन दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे। डू यू आधार कार्ड लिंक टू योर बैंक अकाउंट, अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है दोस्तों येस करोगे, नहीं तो नो करोगे। आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड फैमिली मंथली इनकम, आपका फैमिली का मंथली इनकम कितना है वो आपको सिलेक्ट करना है। रेशन कार्ड टाइप, आपका रेशन कार्ड क्या टाइप है। डू यू हैव ए गैस कनेक्शन, आपका गैस कनेक्शन है कि नहीं। इज योर आधार कार्ड लिंक टू योर रेशन कार्ड, आपको सिंपली येस कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे। इज द बैंक अकाउंट लिंक टू योर आधार कार्ड, येस करना है। देन दोस्तों कंटिन्यू क्लिक करना है। देन दोस्तों देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर 12 स्कीम, मतलब आप 12 स्कीम में आप एलिजिबल हो। देन दोस्तों मार्गदर्शक एप्लीकेशन आपके एज के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ स्कीम को आपको प्रेफर करेगा, मतलब आप कौन से स्कीम में एलिजिबल हो। मेरे मम्मी के नाम पे इस अकाउंट को क्रिएट करा था एंड मम्मी के नाम पे 12 स्कीम है। जैसे कि दोस्तों पहला जो स्कीम है वो एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, जहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस को अप टू 1 लाख तक मिल सकता है। दूसरा जो स्कीम है वो बेसिक सेविंग अकाउंट। तीसरा है दोस्तों मंथली इनकम स्कीम MIS। चौथा है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पांचवा है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किशोर, मुद्रा योजना शिशु, मुद्रा योजना तरुण। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य साथी स्कीम, उत्कर्ष बांग्ला, जुबश्री जुबा उत्कर्ष प्रकल्प। ये सारे स्कीम दोस्तों मेरे मम्मी इलिजिबल होते हैं। दोस्तों मम्मी के नाम पे मैं ये सारे स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री बीमा योजना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों सारे डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे आपके सामने, इसके साथ साथ क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों एज शुड बी ग्रेटर देन 10 ईयर्स, अगर आपका एज 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड है दोस्तों एप्लीकेंट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब आप एक वेस्ट बंगाल में रहते हो दोस्तों इस स्कीम के लिए आप इलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों प्रोसीड वाले बॉटम पे क्लिक करके कैसे आपको इस
स्कीम के लिए अप्लाई करना है, बहुत सारे चीज़ दिखने को मिलेंगे, जैसे कि कलेक्ट द क्लेम फ्रॉम योर बैंक, आपके बैंक की तरफ से आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, इसके अंदर सबमिट द फॉर्म विद इन 90 डेज के अंदर आपको वो फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आपको पॉइंट दिखने को मिलेंगे, 6 पॉइंट को दोस्तों कंप्लीट करके आप इस इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपके सामने दिखने को मिलेंगे, जहां पे आपके मन में इस स्कीम के बारे में कोई भी सवाल है दोस्तों, बहुत सारे लिंक में जाके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स दोस्तों देख सकते हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। प्रूफ ऑफ डेथ, अगर किसी का एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है दोस्तों, प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डिजेबिलिटी, अगर कोई डिजेबिलिटी है दोस्तों, डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जिसका मृत्यु हो जाता है, जो इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, वो अगर इस स्कीम का बेनिफिट पाना चाहते हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो स्कीम आपके सामने देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों आपके मन में सवाल आने वाला है, इस हक दर्शक एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग कैसे पैसा अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों इस हक दर्शक एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप ऑनलाइन में काम करना चाहते हो, मतलब दोस्तों जितने सारे आपको स्कीम देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में गाँव में या शहर में, मैक्सिमम लोगों को दोस्तों कैसे स्कीम में अप्लाई करना है, कैसे उनको स्कीम में जो बेनिफिट मिलेगा, वो सारे चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑनलाइन में काम कर सकते हो, एक सेंटर खोल सकते हो दोस्तों। अगर आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या इंटरनेट अच्छे से चला पाते हो दोस्तों, लोगों के लिए ये सारे स्कीम के बारे में जानकारी दे सकते हो, ये सारे स्कीम का लाभ उठा दे सकते हो, जहाँ पे दोस्तों उन सारे लोगों के लिए आप काम कर रहे हो दोस्तों, वो लोग आपको कमीशन भी देने वाला है। सो दोस्तों आपको ऑनलाइन में सारे काम करना है, जितने सारे घर के आसपास लोग हैं दोस्तों, बुजुर्ग लोग हैं या जो सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कॉलरशिप या कोई भी एजुकेशन लोन पाना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए आपको काम कर देना है, जहाँ पे दोस्तों आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। आप अपनी तरफ से जितना चार्ज करोगे उनको, वो आपको देने वाला है। अच्छा खासा दोस्तों एक फ्रीलांसिंग काम करके अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। इस हक दर्शक एप्लीकेशन की तरफ से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी चीज बता देगा, कैसे वो सारे स्कीम के लिए अप्लाई करना है, कौन से लिंक में जाना है, कहाँ कौन सा बैंक अकाउंट में जाना है, पूरे डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उन सारे लोगों के लिए मदद कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस हक दर्शक एप्लीकेशन में 25,000 एजेंट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, वो एजेंट के साथ बात करके दोस्तों आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हेल्प वाले बॉटम पे आओगे, यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे, जहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर भी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेटिंग वाले बॉटम पे आओगे, अबाउट अस वाले बॉटम पे आने दें, उसको कॉन्टैक्ट इन्फो भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके सामने एक मोबाइल नंबर है, जहाँ पे दोस्तों आप एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट करके इस हक दर्शक एप्लीकेशन में 25,000 एजेंट है, जो कि दोस्तों इंडिया के बड़े बड़े सिटी में 50,000 सेंटर है इस हक दर्शक का, जहाँ पे दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी स्कीम के बारे में आपको और भी जानकारी पाना चाहते हो दोस्तों, उन सारे एजेंट के साथ बात करके वो एजेंट आपको पूरा हेल्प करने वाला है, मतलब ए टू जेड आपको स्कीम में अप्लाई करने से दोस्तों स्कीम में लाभ उठाने तक हेल्प करने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अगर अभी तक आपके मन में इस हक दर्शक एप्लीकेशन के बारे में कोई भी डाउट्स आ रहा है दोस्तों, सिंपली कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।